नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी बिहार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाए और सबसे पहले आप देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन का आंसर जरूर देते चले कॉमेंट बॉक्स में। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और कन्फ्यूजन भी दूर होगा। तो देखिए, हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पे फर्स्ट में है, बोल रहा है प्रश्न में हमारा पूछ रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे करती है। आपका यहाँ पे चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में है सीधी रेखा में गमन करती है, बी में है टेढ़ी रेखा में गमन करती है, सी में है किसी भी दिशा में नहीं, सॉरी किसी भी दिशा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आपको यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर होगा, आपको जो भी लगे उसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोग जैसे ही फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे तो यही बात हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तब वन का आंसर हो गया ए हो गया, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ए हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो में, सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है। देखिए, सर्च लाइट मतलब क्या, गाड़ी में आप लोग देखे उनकी लाइट लगा हुआ रहता है, तो कौन सा ये लगा हुआ रहता है सर्च लाइट में, कौन सा सतह होता है, कैसा सतह होता है। तो आपको बताना है कैसा सतह होता है। देखिए, इस टाइप का होता है ना, मतलब इस साइड से ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि सर्च लाइट का प्रयोग किसमें, सॉरी सर्च लाइट का प्रयोग ये गाड़ी वाहनों में किया जाता है, गाड़ी के लाइटों में किया जाता है। तो इसमें कौन सा सतह होता है, तो अवतल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर दो का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल होता है क्या होता है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3×10^8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 3×10^8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश का चाल हम लोग पढ़े हैं कि 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप भी अगर जो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर चार में, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया, मानव नेत्र में, यहाँ पे मैं छूट गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आप अगर जो उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा और एग्जाम में जैसे ही ऐसा प्रश्न आएगा आप फट से उसे कर लेंगे आंसर। तो यहाँ पे उत्तल है, अवतल है, वलयाकार है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में हमेशा हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तर लेंस। तो चार का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पांच में है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह कहलाता है, या वह है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है कॉर्निया, बी में है परितारिका, सी में है पुतली, और डी में है दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पांच का आंसर क्या हो गया, डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सात में है, सॉरी छह छूट गया शायद, चलिए सात देख लेते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है, यहाँ पे देखिए दूर पूछ रहा है, और एक होता है क्या न्यूनतम, ये हमारा दूर पूछ रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 25 सेंटीमीटर, बी में है 25 मिमी, या सी में है 25 मीटर, या तो डी में है अनंत। तो यहाँ पे देखिए दूर पूछा है ना, जब यहाँ पूछता न्यूनतम पूछता कम से कम पूछता तो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, क्या होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे दूर पूछ रहा है तो दूर के लिए हमारा हो जाता अनंत, क्या हो जाएगा अनंत। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर जो न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और मतलब दूर पूछेगा तो अनंत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सात का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कैलोरी, बी में है जूल, सी में है ताप, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक, अगर जो आप उत्तर जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है यार, ऐसा उत्तर नहीं जानेंगे तो और क्या जानेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक मैं बता रहा हूं यहाँ पे जूल होता है, क्या होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सात का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एट पे है, निम्न में से किसका अर्थ जल है, ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप दे सकते हैं, एक बार कोशिश तो कीजिए।
निम्न में किसका अर्थ जल है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में पेट्रो, बी में है टर्बो, सी में है नाइट्रो और डी में है हाइड्रो। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, जल ही ना होता है। तो आठ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो गया। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे कितना आसान प्रश्न पूछा हुआ, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछता रहता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है। यहाँ पे वोल्ट है ऑप्शन में, बी में है कूलाम, सी में है वाट और डी में है एम्पियर। तो विद्युत धारा का ना पूछा है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं इसका क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए कीजिए कीजिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है हमारा एम्पियर, याद रखिएगा दोस्तों, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट बराबर कितना होता है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका भी आंसर आपको जानना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जूल प्रति सेकेंड होगा या एक जूल प्रति कूलम होगा या एक सॉरी जूल प्रति एम्पियर या कोई नहीं, तो एक जूल कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर जो मैं बता दे रहा हूं, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वन जूल प्रति कुल्लाम, क्या हो जाएगा, वन जूल प्रति कुल्लाम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा वन वोल्ट बराबर कितना होता है, एक जूल प्रति कुल्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 में है, घरों में विद्युत धारा से दुर्घटना किसके कारण होता है। ये तो और आसानी है, तो सिर्फ हम लोग कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, घरों में विद्युत धारा दुर्घटना किसके कारण होता है, फ्यूज तार से या शॉर्ट सर्किट से या उच्च धारा प्रवाहित से, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा हमेशा कैसे होता है, जब ज्यादा वोल्टेज आएगा उसमें क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घरों में विद्युत धारा से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। देखिए क्या पूछ रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। ए में है धारा का, बी में चुंबकीय क्षेत्र का, सी में है बल का और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर जो उत्तर जानते हैं तो कमेंट करें, नहीं जानते मैं इसका आंसर बता दिया हूं, बल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बल का। याद रखिएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम अंगूठा, यहाँ पे क्या है, अंगूठा, तर्जनी नहीं, अंगूठा किसका, किस दिशा की संकेत करता है, तो बल का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कौन सा गैस, O2 या NH3 या CO2 या N2। क्या पूछ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, इसका करेक्ट आंसर जो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है, तो CO2। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या पूछ रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या उष्मा। देखिए उष्मा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा क्योंकि टाइपिंग नहीं हो पाता यार, ये सर लिखाता ही नहीं, उष्मा क्षेपी, याद रखिएगा उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या उष्मा शोषी, यहाँ पे हो जाएगा उष्मा शोषी। तो इसका जो होता है करेक्ट आंसर आपका बता दे रहा हूँ यहाँ पे, उष्मा क्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 15 में, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी। तो देखिए उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होगा तो हाइड्रोजन का त्याग होगा, जरूर होगा, या तो फिर अपचयन का होगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, तो ऑक्सीजन का वियोग होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए एक का योग होगा तो एक का वियोग होगा ना, तो यहाँ पे ये दोनों मिल गया और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सही, ये तीनों सही हैं। तो उपचयन की प्रक्रिया जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, तो ये हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, H2 है या C8 है या H2S है या OR या O2 है, क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो आपको जो करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2S, ठीक है ना, H2S। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, बहुत ही आसान प्रश्न यार, पीएच मान होता है
तो सात के बराबर होगा या सात से अधिक होगा या सात से कम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बता दो दोस्तों, क्या हो जाएगा? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये सात, सात से कम तो अम्ल होता है और सात से ज्यादा तो क्या होता है? क्षार। तो यहाँ पे अम्लीय विलयन का पूछा है तो सात से कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर जो हो गया वो सी हो गया, सात से कम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 में सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, बहुत ही आसान। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है NaHCO3 या Na2CO3 या तो Na2CO2 या NaCl। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा Na2CO3, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में चूना पत्थर खैरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? चूना पत्थर खैरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? NaHCO3 के या NaOH के या CaOH के हॉल टू के या CaCO3 के? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में जठर रस का पीएच मान लगभग है, जठर रस का पीएच मान लगभग है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जठर रस का पीएच मान लगभग है 1.2 या 7 या 14 या 2। तो देखिए जठर रस यानी कि अम्लीय टाइप का होता है, तो ये तो उदासीन हो जाएगा, ये क्षारीय क्षारीय, तो ये बच गया 1.2। तो लगभग में हमारे यहाँ पे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 में लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा पे जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, ये नहीं होगा क्योंकि संक्षारण के लिए ही तो हम लोग इसको लेपित करते हैं, गैल्वेनीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? HCN या CCl4 या KCl या CO2? तो यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो KCl यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में मैग्नीशियम, बी में सोडियम और सी में है एल्युमिनियम और डी में है बेरिलियम। तो बहुत ही आसान है, ये सब याद रखने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट जो है ये हमारा एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा, किस धातु का? एल्युमिनियम, याद रखिएगा दोस्तों। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु यहाँ पे बताना है, यहाँ पे AU, NA, HG, CU। तो आपको बताना है, देखिए सोडियम जो होता है हम लोग को ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगता है ऑटोमेटिक, सबसे अधिक क्रियाशील पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सोडियम Na हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है CHO यानी कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं या एल्कोहल कहते हैं या कीटोन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी याद रखना होगा दोस्तों, एल्कोहल का क्रिया मूलक क्या होता है या एल्डिहाइड का क्रिया मूलक क्या होता है या कीटोन का क्या होता है, ये सब याद रखना है। तो CHO जो होता है एल्डिहाइड का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, और एल्कोहल का होता है OH। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देख लेते हैं, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इथाइल यानी कि कार्बन के दो परमाणु होना चाहिए और एल्कोहल का उसमें रहना चाहिए क्रियाशील मूलक, तो यहाँ पे CH3 ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेथेनॉल ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए C2 यहाँ पे भी दो कार्बन, कार्बन के दो परमाणु इसमें भी, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, फॉर्मूला से आपको बताना होगा ना। तो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH, याद रखिएगा। इथाइल एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या, सॉरी अनुसूत्र यहाँ पे पूछा ना, अनुसूत्र क्या होता है? C2H5, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितना है? क्या पूछ रहा है? आधुनिक में पूछ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में 18, बी में है 7, सी में 16 और डी में है 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 28 में मानव ने डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है या माइटोकॉन्ड्रिया है या तो कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है, मानव में डायलिसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन हो जाएगा।
आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 में, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है, केचुआ है या मछली है या शेर है या बकरी है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उभयलिंग पूछ रहा है, ना तो अलैंगिक है ना तो लैंगिक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 का करेक्ट आंसर ए हो गया, ठीक है ना, केचुआ उभयलिंगी जंतु कौन हो गया, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 में, कुत्पाद किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है कुत्पाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में या तो युगलिना में या अमीबा में या कोई नहीं, तो कुत्पाद जो पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आंसर जानते हैं तो देने का प्रयास किया कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इसी प्रकार से और भी मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है हमको ये सब बनाने में, और आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है तो हमें कोई फायदा ही नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक हार्मोन है या वसा है या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑक्सीजन जो है हमारा एक हार्मोन है, क्या हो जाएगा, एक हार्मोन, 31 का करेक्ट आंसर ए हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑक्सीजन एक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 32 में, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताना है आपको मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है, एंड्रिनल है, तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं लीवर, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ए हो गया, लीवर, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, लीवर। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या बोल रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, लेस्मानिया में या प्लाज्मोडिया में या ईस्ट में या अमीबा में, यहाँ पे टमीबा नहीं अमीबा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 में, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, किस तरह के अंग है, आपको बताना है समजात अंग है या अविशेषी अंग है या संवृत अंग है या इनमें से कोई नहीं, तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवृत अंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 में, विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता है, क्या पूछ रहा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थियों से, चिपैंजी से या मकड़ी से या जीवाणु से, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिपैंजी से हमारा समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 में, प्रकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है यहाँ पे प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है या सूर्य है या पानी है या लकड़ी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा ना पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य, याद रखिएगा दोस्तों इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37, यहाँ पे मैं 40 क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ, अभी तक आप अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए 37 में बोल रहा है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता या आहार श्रृंखला, तो हरे पौधे जो कहलाते हैं वो हमारा उत्पादक कहलाते हैं, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, निम्नांकित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, क्या बोल रहा है, निम्नांकित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी या कागज या वाहित मूल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीडीटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39, यहाँ पे आपको 40 तक ही करवाया जा रहा है, तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप दे सकते हैं, वायु है या मृदा है या जल है या जीवधारी, तो ये तीनों तो हमारा प्राकृतिक हो गया, लेकिन जीवधारी हो गया प्राकृतिक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट यहाँ पे है, यूरा 2 का संबंध है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक लाइक नहीं किए इस वीडियो को तो लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, इसी प्रकार के और भी वीडियो आगे लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में है, यूरा 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरा 2 का संबंध आपका वायु प्रदूषण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा।
चलिए, अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।